अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम क्लीन खान नए लेक्चर के साथ, लेक्चर नंबर 92। इस लेक्चर में आज चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन करके आज हम उसे खत्म करेंगे। इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आते हैं। 19 में क्या है, 1/(1 cos θ + 1/(1 cos θ) और (2 cosec²θ). अब इसके बाद हमने क्या करना है, क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म है और फ्रैक्शन फॉर्म की वजह से हम इसका एलसीएम लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम 1 cos θ 1 cos θ, ये दोनों आएंगे और दोनों लिखने के बाद ये माइनस वाला इससे खत्म हो जाएगा, प्लस वाला ऊपर जाके रहना मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस वाला खत्म हो जाएगा, माइनस वाला ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारे पास cos θ से कैंसिल हो जाएगा और बाकी 1 + 1 हमारे पास क्या आएगा, 2 आ जाएगा। और ये क्योंकि आइडेंटिटी बनती है 1 - a - b (a + b)² - b² वाली, (1)² - (2)² - 1 में, तो 2/(1 cos²θ) बनता है। अभी क्या आ गया, 2/(1 cos²θ) और 1 cos²θ जो होता है वो 10 sin²θ के इक्वल होता है। और 2/(1 sin²θ) किसके बराबर होता है, कोसेकेंट के बराबर होता है, 1/(sin) और उसका स्केयर है, तो ये सेकेंट कोसेकेंट स्केयर थीटा बनेगा। और जो कि हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है जो कि 2020 के अंदर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आया था इस एक्सरसाइज में। तो आज हम इस क्वेश्चन को भी हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन था 2020 ईयर। इसमें क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है और लेफ्ट हैंड साइड ये इसको हम कैसे हल करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 1 - sin θ, 1 + sin θ, इसका हम चलेंगे एलसीएम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, 1 - sin θ, 1 + sin θ, माइनस वाला इससे कैंसिल हो जाएगा और प्लस वाला बचेगा, ऊपर प्लस वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 1 + sin θ² बनेगा। इसी तरह ये प्लस वाले से कैंसिल, तो माइनस वाला जो बचेगा, माइनस वाला ऊपर मल्टीप्लाई होगा, होल स्क्वायर बनेगा। अब क्या करेंगे कि इन दोनों का, इसका भी होल स्क्वायर खोलेंगे, इसका भी होल स्क्वायर खोलेंगे। अब ये होल स्क्वायर कैसे खुलेगा, 1 + (1)² + 2 × (1)² × 2 ये वाला हमने स्क्वायर बोला, और इसी तरह ये माइनस की वजह से हमने ब्रैकेट वैसे का वैसे रखा, 1 + sin²θ - 2 sin θ, माइनस वाले में 2 के साथ माइनस और प्लस वाले में 2 के साथ प्लस और बाकी सब के साथ प्लस आएगा। और इसी तरह ये साइन खुलने के बाद ये वाला क्लोज हो जाएगा a² - b² वाले फार्मूले से, एक दफा माइनस में एक दफा प्लस में इसे क्लोज किया, उसे आपने एक्सपेंड किया, तो उसके बाद इस ब्रैकेट माइनस की वजह से ब्रैकेट के अंदर जो साइन होगा वो चेंज हो जाएंगे, -1 - sin²θ और ये माइनस का था और ये प्लस का हो गया। तो इस सूरत में ये 1 भी कट गया 1 से और sin²θ, sin²θ, 2 sin θ, 2 sin θ, 4 sin θ, और ये हमारे पास क्या था, 1² - sin² यानी sin²θ जो कि cos²θ के इक्वल आता है। अब 4 × sin/cos एक अलग करें और एक cos अलग कर लें। 4 × sin/cos क्या होता है, tan होता है, 1/cos क्या होता है, secant होता है, जो कि हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें देखें sin³θ = sin θ - sin θ cos²θ। तो इस सवाल के अंदर लेफ्ट साइड बिल्कुल छोटी सी है और राइट साइड जो है ना वो बड़ी है, तो हम लेफ्ट लेने की बजाय हम राइट साइड लेंगे। हम राइट साइड लेंगे, क्या होगा कि sin θ, ये हमारे पास है राइट साइड, sin θ - sin θ और cos²θ, और ये लेने के बाद ये क्योंकि एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, इन दोनों टर्म्स में से sin θ कॉमन ले लें। sin θ कॉमन आया, यहाँ पर क्या बचा, 1 माइनस, और ये साइन बाहर आ गया, तो बाकी क्या बचा, cos²θ। और इसी तरह ये sin θ 1 - cos²θ जिसके बराबर होता है sin²θ के, और sin²θ और into sin θ
इसका पावर वन है और ये बेस सेम है तो पावर मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड करेंगे तो 1+2 यानी कि क्यूब थीटा जो कि लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। इसी तरह लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में इक्वल हो जाती है तो हमारा ये क्वेश्चन वेरीफाई होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में cos 4 थीटा माइनस sin 4 थीटा यानी कि sin 4 पावर थीटा माइनस cos 4 पावर थीटा माइनस sin 4 थीटा इसी को जो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा लेफ्ट साइड लेंगे और लेफ्ट साइड में आप इनका फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करें तो एक दफा माइनस में और एक दफा प्लस में तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ये प्लस में एक दफा ये माइनस में और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है और ये sin स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा और ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हमारे पास राइट साइड आ जाएगी। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23 और इसमें क्या है 1+cos थीटा 1-cos थीटा इक्वल टू sin थीटा और 1-cos थीटा लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में आपको कोई भी फार्मूला नजर नहीं आ रहा कि हम इसे कौन से फार्मूले से आप हल करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे इसे रैशनलाइज करें राइट साइड को देखते हुए। यहाँ माइनस है तो नीचे माइनस लगा के ना आप दोनों में माइनस लगा दें और रैशनलाइज करें और रैशनलाइज का जो मेथड होता है ये कैंसलेशन का मेथड होता है या तो मैं कैंसिल हो जाएगा और बाकी वही चीज बच जाएगी लेकिन हमें क्वेश्चन को हल करने में मदद मिलेगी। तो यहाँ वन वो राइट साइड पे हमारे पास 1-cos थीटा था हमने भी 1-cos थीटा से ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके रैशनलाइज किया और ये रैशनलाइज करने के बाद आपने क्या किया उस ब्रैकेट उस स्क्वायर रूट के अंदर ऊपर वाली टर्म से नीचे वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा ये देखिए क्योंकि ये है प्लस में एक प्लस में एक माइनस में फर्स्ट टर्म स्क्वायर यानी कि एक माइनस में एक प्लस में फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर और ये एक जैसे साइन होने की वजह से होल स्क्वायर अलग अलग साइन हो तो अलग अलग स्क्वायर दरमियान में माइनस अगर एक जैसे साइन हो तो वो होल स्क्वायर बनता है और ये 1 का स्क्वायर 1 और cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और नीचे 1-cos थीटा का होल स्क्वायर। अब ये 1-cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तो हमारे पास क्या आता है sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1-cos स्क्वायर थीटा 1-cos स्क्वायर थीटा की जगह पर आपने क्या लिखा sin स्क्वायर थीटा और ऊपर अंडर रूट भी अलग कर दिया नीचे आपने अंडर रूट अलग किया ये इस स्क्वायर से ये कैंसिल और इस स्क्वायर से ये कैंसिल sin थीटा और 1-cos थीटा के इक्वल आ जाता है। तो ये हमारे पास राइट साइड थी। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी उसी तरह का प्रोसीजर मौजूद है। इसमें भी यहाँ पर सीकेंड है वहां कास का था यहाँ सीकेंड का दिख रहा है बाकी सारा प्रोसीजर वैसे है हम रैशनलाइज करेंगे और रैशनलाइज क्योंकि इसकी राइट साइड में ऊपर प्लस है हम प्लस से रैशनलाइज करेंगे जब प्लस से रैशनलाइज करेंगे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा ये क्योंकि एक जैसे साइन है एक दफा होल स्क्वायर अलग अलग साइन है तो अलग अलग स्क्वायर तो इस सूरत में ऊपर वाला वैसे रहेगा और सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा नीचे और ये फार्मूला हमारे पास है 1+tan² θ = sec² θ और tan वैसे रहने और sec² θ - 1 की जगह पर आप क्या लिखेंगे tan² θ और ऊपर वाले का अंडर रूट अलग कर लें और नीचे वाले का अंडर रूट अलग कर लें ये इससे कैंसिल हो जाएगा इससे कैंसिल हो जाएगा और बाकी बचेगा sec² θ + 1 over tan θ। आज के लेक्चर में इतना ही इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लाइक कीजिएगा वीडियोस को और फिर उसके बाद शेयर कर दें ताकि जो है ना वो दूसरे स्टूडेंट भी इससे फायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़।